सरकार किसी की भी हो, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। और पिछले कुछ महीनों में, स्पेशली पिछले 12 महीने में, लगातार ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पर बचाया जा सकता था बेहतर। उसमें टेक्निकल फेलियर हो रहा है, या उसमें नेग्लिजेंस है, या इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ वीकनेसेस हैं, लेकिन सरकार को मुझे लगता है समय रहते ही, इतना बड़ा हमारा नेटवर्क है रेलवे का, उसको, उसके संसाधन को, उसकी सुरक्षा को देके प्रायोरिटी काम करना चाहिए। क्योंकि तो इतना बजट आवंटन होता है, अगर यात्रियों की सुविधाएं, पंक्चुअलिटी, सर्विस को बाद की बात है, लेकिन पहले उनकी जान माल की सुरक्षा बहुत अनिवार्य है। लेकिन तुरंत प्रभाव से, बजाय इसके कि पैसा व्यर्थ हम बर्बाद करें पब्लिसिटी में, मार्केटिंग में, बेहतर ये होगा कि हम उसको इन्वेस्ट करें ताकि हमारे यात्री सुरक्षित रह सके। इसको अब देखिए, ये बार बार जो है ऐसे मौके ढूंढना जिसका कोई वर्तमान या भविष्य में कोई बहुत ज्यादा महत्व ना रहे, बेहतर तो ये रहेगा कि बजाय सिंबलिज्म करने की, भाजपा की सरकार केंद्र की और प्रदेश की हो, हमेशा सिंबॉलिक मात्र ढूंढना। अब जब लोकसभा का गठन हुआ, नई संसद का, तो उन्होंने एक प्रस्ताव लेकर आए, 50-55 साल पहले इमरजेंसी कब डिक्लेयर की गई थी, उसके बाद क्या हुआ, 5 दशक निकल गए, 4 पीढ़ियां निकल गई, लेकिन वर्तमान में अपनी कमियां छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें बीजेपी की सरकार बार बार करती है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि नई सरकार बनी है, और बनने के बाद ही लगातार जो नौजवानों के साथ हो रहा है, बच्चों के जो नीट परीक्षा में जिस प्रकार का पूरा प्रकरण सामने आया, उसको ठीक करने के बजाय सरकार अपना ध्यान भटकाना चाह रही है, और अभी भी कहीं ना कहीं वो उस गलतफहमी में है और बचाव कर रही है। और ये दावे किए जा रहे हैं कि हम जो इनकी जड़ों तक पहुंचेंगे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था, लेकिन लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो रहा है। नौजवान, उनके पूरे परिवार पीड़ित हैं, अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, और जब नौजवान पीढ़ी के सपने टूटने शुरू हो जाते हैं, तो ये किसी भी देश के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को, बजाय जुल्मेबाजी, भाषण, आश्वासन, मार्केटिंग, वादे और ये सब करने के बजाय धरातल पर ध्यान दें, महंगाई कम करें। अब 2 बजट आए हैं, केंद्र सरकार का आया है, राज्य सरकार का है, दोनों बजटों में कहीं पर भी महंगाई कम करने की मात्र कोशिश भी हमें दिखाई नहीं दी है। और जॉब क्रिएशन की बात करते हैं, अब प्रदेश सरकार बोलती है कि हम 4 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लेते हैं। संकल्प का क्या मतलब होता है? आप कितनी नोटिफिकेशन इशू करेंगे, कब तक टाइमलाइन बताइए, कब तक भर्तियां चालू होंगी, तो बोलना अलग होता है। लेकिन सरकार केंद्र की जो जीत कर आई है, पहली बात तो ये एक खंडित जनादेश है, ये कोई भाजपा की सरकार नहीं है, ये मिलीजुली एनडीए की सरकार है। और अपने साथियों को खुश करने के लिए, सर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं ये सरकार बचाओ बजट है, दोनों प्रदेशों की जो नेता हैं, चाहे वो बिहार के, आंध्र प्रदेश के हैं, उनको खुश करने के लिए लाखों करोड़ रुपए आप उनको दे रहे हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है बिहार के लोगों से, आंध्र के लोगों से, लेकिन जो बाकी राज्य हैं उनका हक मार के आप किसी और राज्य को देंगे सिर्फ अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल को सुनिश्चित करने के लिए, ये भी गलत मानता हूं मैं। और राज्य सरकार का जो बजट था, जो चर्चाएं विधानसभा में हो रही हैं, कोई संतोषजनक जवाब कोई मंत्री नहीं दे पा रहे हैं। और सरकार का जो है, इतने मल्टीपल पावर सेंटर्स बन चुके हैं कि जनता समझ रही है कि 7 महीने पहले हमने सरकार बनाई थी, अब उसका बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधा अगर सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, और अभी उदयपुर में जो हत्याकांड हुआ है, क्राइम को रोक नहीं पा रहे हैं, बद्री माफिया बेफिक्र घूम रहा है, मेरे अपने जिले के अंदर 1-2 हादसे हो चुके हैं, तो सरकार को लॉ एंड ऑर्डर और बिजली पानी पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वो दिवस बनाए 370 के और इमरजेंसी के और पॉलिटिकल अपने विरोधियों को टारगेट करने का काम नहीं करना चाहिए। ये जो दिल्ली में हुआ है, एक तो जो विक्टिम है, नौजवान लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, जो अपनी गाड़ी कमाई खर्च कर कर, मेहनत कर कर, अपने अपने जीवन में कुछ करना चाहते थे, उनके सपने, उनके परिवार के सपनों को ध्वस्त किया गया है। और सिर्फ एक व्यक्ति या दो संस्थाओं को बंद कर कर पकड़ने से काम नहीं चलेगा, ये संस्थागत दिक्कतें हैं। और राजस्थान के अंदर भी जहाँ जैसे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जहाँ पे नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है, और खासकर नौजवान, इतना दुख होता है हमें पढ़ते हुए, जब बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, या उनके सपने टूट जाते हैं, या उनके पेपर लीक हो जाते हैं, या इस प्रकार के हॉस्टल में जहाँ रह रहे हैं उनकी कोई सुविधा नहीं मिलती है। सारे नियम कानून रेगुलेशंस को ताक पर रखकर सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए जो अधिकारी, अफसर, प्रशासन, नेता जो भी हों, अगर इस प्रकार के लोगों को संरक्षण भी दे रहे हैं, तो वो उस जुर्म के उतनी भागीदार हैं।
इसलिए इन पर तो ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं राज्य सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि इनको एक ऑडिट करना चाहिए कि कैसे व्यवस्थाओं में हमारे बच्चे रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, और उन लोगों को कम से कम बेसिक स्टैंडर्ड देने मैं समझता हूँ कंपलसरी करना चाहिए। खासकर चाहे वो कोटा है, सीकर है, जयपुर है, जहाँ बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे पढ़ने आते हैं, तो इससे पहले इस प्रकार की और घटनाएं हों हमें इसे सीख लेकर उचित लोगों को जो दोषी पाए जाए उनको दंडित करना चाहिए, और भविष्य में इसकी परिवर्तन ना हो, इसको रिपीट ना हो, इस सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। आज मैं जहाँ ये प्रदर्शनी देखने आया हूँ, मुझे इतनी खुशी है कि इसमें निःशुल्क लोग एंट्री कर सकते हैं, और खासकर जो नौजवान हैं, स्कूल और कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं जिनको रुचि है वाइल्ड लाइफ में, टाइगर में, क्योंकि टाइगर इस देश की शान है और बड़ी मुश्किल से हम लोग इसको कंट्रोल कर पाए हैं, ये तो एक्सटिंक्शन की कगार पर हम लोग पहुंच गए थे। तो ये एक इस प्रकार की प्रदर्शनी से लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलती है, उत्सुकता जागती है, और जो यंग टैलेंट्स हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे फोटोग्राफी हो, यंग लड़के लड़कियाँ शहर के, प्रदेश भर के यहाँ पर आएँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने लगातार छठे साल ये टाइगर डे के उपलक्ष्य में इस प्रकार की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है, सब लोगों को यहाँ बुलाया है, और सबसे अच्छी बात मैंने कहा ना, निःशुल्क है, लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, एक अच्छी एक कमेटी है जो जज करती है विजेता कौन होंगे। और मैं खुद समझता हूँ कि जितना ज़्यादा आजकल बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, टेलीविज़न से फुर्सत नहीं है, तो वो नेचर में जाएंगे, अपने सराउंडिंग्स को समझेंगे, अपनी इकोलॉजी को समझेंगे, और इस खूबसूरत जानवर को हम लोग कैसे आगे भविष्य में प्रिजर्व कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो धरने देने की परमिशन वापस ले ली गई है, तो जिन लोगों की नौकरी छीनी है उनको न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहा है कि अगर आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते हो तो जिनको दिए उनको छीनो तो मत,